जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, अभी रिसेंट में मोदी जी ने 2-3 दिन पहले यहाँ पे घोषणा कर दी थी, रेलवे में 1.5 लाख से ज़्यादा पदों पे भर्ती निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें फेज वन में टिकट कलेक्टर की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन 7,784 पोस्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 7,000 से ज़्यादा पदों पर ये वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। यहाँ पे सभी जोन आप देख सकते हो, वेबसाइट मतलब एक तरीके से रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे सभी जोन में ये वैकेंसी निकली हुई है। ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी है, मेल हो या फीमेल हो आप अप्लाई कर सकते हो रेलवे टिकट कलेक्टर की पोस्ट के लिए। और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसके, क्या सारा सब कुछ, क्वालिफिकेशन लिंक कहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हो, वो सब कुछ डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के साथ में। शुरू से लेके एंड तक आप बने रहिए। दोस्तों बात करेंगे रेलवे टिकट ट्रेवलिंग एग्जामिनर यानी कि एक तरीके से जो टीटी वाले रिक्रूटमेंट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अभी आप सभी को पता है हाल ही में यहाँ पे एक तरीके से रेलवे में मोदी जी ने यहाँ पे रेलवे में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा पदों पे यहाँ पे वैकेंसीज की घोषणा की है, जिसमें एक रेलवे टिकट कलेक्टर वाला वैकेंसी भी यहाँ पे इसमें आता है। ध्यान रखना, टिकट कलेक्टर एक तरीके से ट्रेवलिंग जो रिक्रूटमेंट है उसमें गुड्स गार्ड की वैकेंसी भी निकलेगी, ग्रुप डी की वैकेंसी निकलेगी। तो सबसे पहले ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर की बात कर रहे हैं, जो कि 7,784 पदों पर ये वैकेंसी निकलने वाली, बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है, जिसका नोटिस यहाँ पे शॉर्ट नोटिस दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके बता देता हूँ आपको, जो इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है आप देख सकते हो, यहाँ पे 10th क्लास पास रखा गया है, 12th क्लास पास रखा गया है। यहाँ पे एक तरीके से 12th क्लास पास आपका होना चाहिए रेलवे टिकट कलेक्टर के लिए, एक तरीके से टीसी की पोस्ट के लिए, जो कि 18 से 30 साल के बीच में अगर आप आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। रिलैक्सेशन 3 साल और 5 साल का, यानी कि 3 साल यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ पे एक तरीके से ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो छोटे, और 5 साल के छोटे एससी एसटी वालों को, जनरल वालों को कोई छूट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे सैलरी नीचे में बता देता हूँ, यहाँ पे सैलरी देख सकते हो, टीटी पोस्ट के लिए 5,200 से 20,200 के ग्रेड पे, 1900 के आधार पर यहाँ पे 15,000 जो कि बेसिक रहती है, मिला के यहाँ पे 36,000-35,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी आपकी मिलेगी। और इसके अलावा 500 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये के चार्जेस के साथ अप्लाई कर सकते हो। डेट्स यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप डेट्स यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है, 27 नवंबर 2022 से आपका यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है। इसके अलावा यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है, एग्जाम आपका नेक्स्ट ईयर होगा ध्यान रखना, और रिटर्न एग्जामिनेशन, साइको टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारे सब कुछ यहाँ पे इसमें होते हैं। मेडिकल टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, इंटरव्यू यहाँ पे नहीं है ध्यान रखना, इंटरव्यू इसमें नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या सिलेबस आएगा, वो सारा सब कुछ आपको पता होगा क्योंकि रिसेंट में भी एग्जाम हुआ है, तो उस हिसाब से ये रहेगा सिलेबस। और अलग अलग से वैकेंसी निकलेगी ध्यान रखना, यहाँ पे अलग से ये वैकेंसी टेंटेटिव है, तो यहाँ पे इसको ALP में शामिल नहीं किया जाएगा, ये अलग से वैकेंसी यहाँ पे 7,784 पदों पर निकलेगी। RRB.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो।